हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वंडर वॉल्स इक्वेशन और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट। इन दोनों में से देखो भैया, क्रिटिकल कांस्टेंट में जो रिलेशन आएगा जो कल हम लोग पढ़ेंगे 8PCBC बराबर 3RTC, उसमें प्रूव करने के लिए ये वाली इक्वेशन हम लोगों को चाहिए होगी पहली बात। और वो इक्वेशन मेरे भाई पेपर में 15 नंबर में आएगी प्रूव करने के लिए। ये वैन डर वाल्स जो इक्वेशन है ये 15 नंबर में तो नहीं आएगा, 3 नंबर में। इसमें ए और बी के कांस्टेंट यानी मात्रक पूछ सकता है, ठीक है, शॉर्ट में आ सकती है, ये पूछी जा सकती है आपसे। ओवरऑल इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये अगर आप पढ़ते हो तो कल वाला अपना जो क्लास है वो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा सर, ठीक है। और इसे आप छोड़ नहीं सकते, हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, बाकी तो इस वीडियो में पढ़ाते रहेंगे। ध्यान से सुनो मेरे भाई, गैसें दो तरीके की होती हैं, एक होती है रियल गैसेस, एक होती है आइडियल गैसेस। सर जी हिंदी में बताओ भैया, एक होती है आदर्श गैसें, एक होती है वास्तविक गैसें। एक कहते नहीं क्या बोलते हैं, एक बड़ा अच्छा आपने गाना सुना हुआ अभी लड़कियों के लिए चल रहा है, अरे सुबह सुबह वो चाय बना कर मुझे पिलाए और कहे पी लो पी लो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दो भगवान। ये क्या है, ये वो सोच रही है लड़की कि एक आदर्श पति हमें मिल जाए, लेकिन क्या रियलिटी ऐसी है? नहीं, जो रियल पति आएगा वो वाला मामला हो जाएगा। यानी कि रियलिटी है जैसा आप सोचते हो आदर्श वैसा नहीं होता है, तो जैसा वास्तविक में होता है उसे कहते हैं रियल। तो गैसेस भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है मेरे भाई आइडियल गैसेस, जैसी हम सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, चार्ल्स के नियम को फॉलो करें, बॉयल के नियम को फॉलो करें, टेम्परेचर प्रेशर दुनिया भर की नौटंकीबाजी फॉलो वो कर नहीं रही है, तो वो रियल गैसेस यानी वास्तविक यानी अवकाश वाली गैसें कहलाती है मेरे भाई, ठीक। तो जो पूरी काइनेटिकल थ्योरी ऑफ गैसेस हमने पिछले में पढ़ी, उन्होंने जो भी इक्वेशन दी, इक्वेशन क्या थी बताओ, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी बराबर आरटी होती है मेरे भाई। तो ये पीवी बराबर आरटी तब सही है जब वो आदर्श वाला मिल जाए, चाय बना के पिलाए और ये सारी चीजें, जब वो आदर्श वाली गैस मिल जाए भैया तो ये इक्वेशन ठीक थी। लेकिन वैन डर वाल्स ने कहा भैया रियलिटी पे आ जाओ जरा, वो वाली गैस नहीं मिलने वाली है, जो गैसें हम लोगों को मिलेंगी जिनकी हम स्टडी करेंगे वो वैसी गैस नहीं होंगी। बोले फिर, बोले इनके लिए क्वेश्चन चेंज करनी पड़ेगी। बोले कैसे? बोले पी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, कितना? बोले ए अपान बी स्क्वायर। बोले बी को थोड़ा घटाना पड़ेगा, कितना? बोले बी बराबर में क्या चल रहा आरटी? बोले चलने दो। ये जो समीकरण बन गई इसे कहते हैं वैन डर वाल्स समीकरण। कितनी आसान है, देखो आप ऐसे ही याद करोगे दिक्कत करेगा, हमें याद करने में दिक्कत होता था 11वीं क्लास में जब हम थे, लेकिन ये याद आपको रहता है, पीवी बराबर आरटी। वैन डर वाल्स ने कहा पी इतना नहीं, थोड़ा बढ़ाओ, कितना? ए अपॉन बी स्क्वायर। तो पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर। बी थोड़ा घटाओ, कितना? तो बी माइनस बी घटा दिया, कितना आएगा? बराबर में आरटी। तो पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? आरटी। ये हो जाएगी वैन डर वाल्स समीकरण, ठीक है भाई। अब ये कैसे लिख के दिखाएंगे मेरे भाई, तो लिख के दिखाएंगे ये क्यों हुआ, पी क्यों बढ़ गया, बी क्यों घट गया, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। देखो भैया बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, पीछे जो लिखा है उसे लिखा रहे हैं। तो सुनो हुआ क्या, जो आदर्श गैस समीकरण थी यानी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है जो हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, उन्होंने कहा जो गैस मॉलिक्यूल है अंधाधुंध गति करते हैं, गैस मॉलिक्यूल का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता है, बहुत छोटे होते हैं वो। तो जब भैया बहुत छोटे होते हैं तो फिर उनका वॉल्यूम होता नहीं है, ये बात कही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने। लेकिन वैन डर वाल्स ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है, अपना अपना कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। तो इन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनो, मान लिया ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल गति कर रहा है और इस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो वी है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती थी कि इनका खुद की तो कोई अवकाश है नहीं, तो ये पूरे वी में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन वैन डर वाल्स ने कहा ऐसा नहीं है, इनका खुद का वॉल्यूम है कुछ, मान लिया इनका खुद का वॉल्यूम स्मॉल बी है, तो स्मॉल बी जगह तो ये घेर रखे हैं, तो ये वी में नहीं घूम सकते, ये सिर्फ वी माइनस बी आयतन में घूम सकते हैं। जैसे ये जो जगह है यहां पे 16 फीट है ऐसे करके जहां पे हम खड़े होते हैं सर, ठीक है, तो 16 फीट में हम नहीं घूम सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि भैया हमारा भी तो कुछ साइज है, 1.5 फीट जो भी, आधा फीट जो भी होएगा, तो ये जगह तो हमने घेर ली, तो बची हुई कितनी रह गई है? बची हुई रह गई है 16 फीट माइनस का हमारा जो 1.5 फीट हटा दो, मेरा आयतन हटाना पड़ेगा, तब बची हुई स्पेस है उसमें हम टहल सकते हैं मेरे भाई, सीधी सी बात है। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि भैया जो तुम पीवी में वी ले रहा हो ये बी नहीं होएगा, बल्कि ये क्या होगा, कुछ कम होगा। कितना कम होगा? जो गैस मॉलिक्यूल तुम देख रहे हो उसका आयतन भैया तुम्हें घटाना पड़ेगा, उतना फ्री वॉल्यूम होगा, तब जाके भैया वो मिल पाए, तब वो वास्तविकता होगी, वो रियलिटी होगी और वो रियल गैसेस के लिए होगी। तो लो भैया क्या लिख दिया, आइडियल गैस की इक्वेशन को रियल गैस की इक्वेशन बनाने के लिए वैन डर वाल्स ने क्या करा, आइडियल गैस इक्वेशन में दो मेरे भाई करेक्शन करे। पहला था वॉल्यूम करेक्शन यानी आयतन के बारे में बताया, कि क्या बताया, वही बात जो हम कह रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार मॉलिक्यूल्स का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, कंटेनर के वॉल्यूम में अंधाधुंध तरीके से मूव करते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल के फ्रीली मूव करने के लिए पूरा कंटेनर फ्री होता है। लेकिन इन्होंने कहा यह अजम्पशन सही नहीं है, यह जो परिकल्पना है ठीक नहीं है। गैस मॉलिक्यूल्स का भी अपना वॉल्यूम होता है, गैस मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम होता है, और जब अपना वॉल्यूम है तो क्या होगा मेरे भाई, अतः मॉलिक्यूल्स के मूव करने के लिए वॉल्यूम कुछ कम होता है। कितना कम होता है कि भैया कंटेनर का वॉल्यूम अगर वी है, अगर उसका खुद का वॉल्यूम स्मॉल भी है, तो बचा कितना मूव करने के लिए, वी माइनस बी बचा मेरे भाई। सीरीज कहते नहीं फोन में 64 GB मेमोरी है, अबे 64 GB तो दिखा रहा है, लेकिन उसमें से 30-35-38 GB तो फोन पहले घेर के बैठा हुआ, तो जो बचा हुआ उसी में तो तुम डेटा डालोगे, वो तो दिखा के बेचते हैं कि 64 GB मेमोरी है, लेकिन होती है 64-35-38 GB तो फोन घेर के पहले ही बैठा होता है। तो उसी तरीके से भैया कि दिख रहा है कंटेनर इतना, लेकिन खुद का भी तो वॉल्यूम तुम घेर के बैठे हुए हो, सीधी सी बात है। तो फ्री वॉल्यूम कितना बचेगा, वी माइनस बी, यानी इक्वेशन में पी बी की जगह क्या रख देंगे, वी माइनस बी रख देंगे। पहला करेक्शन हो गया। दूसरा क्या है, प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन को समझने के लिए इस छोटे से चित्र को समझो। आप कैसे समझोगे जरा देखो, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे भाई, सबसे पहले यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि देखिए इस तरीके से यह कंटेनर है, ठीक। अब इस कंटेनर में जो यहां पर है बीचों बीच में बल्क में है, यही हमने लिखा हुआ है गैस के बल्क में प्रेजेंट, जो बल्क में है उस पर तो चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से चारों तरफ से। तो भैया इस पर कोई फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कुछ नहीं, बल लग चारों तरफ से रहा है लेकिन ये जाएगा कहीं नहीं। आपने 9th में पढ़ा होगा संतुलित और असंतुलित बल, चारों तरफ से बल लग रहा है लेकिन जा कहीं नहीं रहा, क्योंकि बराबर बराबर बल चारों तरफ से लग रहा है। तो यह सैचुरेशन में इस समय बल जीरो है। लेकिन बांडरवाल्स ने कही एक बात बताओ, जो लोग यहां किनारे पहुंचेंगे, किनारे पर जो नहीं मतलब बॉल दीवार से टकराने ही वाले हैं, तो उनके सामने तो कोई है नहीं, उनके तो खाली पीछे की तरफ लोग होंगे, और जो इन्हें खींचेंगे अपनी तरफ, खींचने की कोशिश करेंगे, खींचेंगे या धक्का लगाएंगे जो भी करेंगे, तो ओवरऑल इन पे तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा होगा ना, क्यों इन पे मतलब जीरो है बल क्योंकि चारों तरफ से लोग हैं, लेकिन जो किनारे पे हैं उनके सामने तो कोई है ही नहीं, सामने तो खाली दीवार है, तो पीछे जो लोग हैं, तीन लोग जो पीछे से हैं, वो या तो खींचने में अंधाधुंध लगे हुए होंगे या धक्का देने में लगे होंगे, टकरा रहे होंगे, तो उसे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर फील होगा। कितना एक्स्ट्रा होगा मेरे भाई, तो इनने कहा भैया इतना एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। देखो ये देखो कितना एक्स्ट्रा, ये देखो कितना P plus A upon B square, इतना प्रेशर आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तब इन्होंने क्या कहा, देखो भैया गैस के बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल पर इसके चारों ओर प्रेजेंट गैस मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जिससे नेट फोर्स जीरो हो जाता है। बीच वाला जो है बल्क में, उस पर नेट फोर्स जीरो, वो कुछ उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह गैस मॉलिक्यूल जो बॉल पर टकराने जा रहा है, इसके सामने गैस मॉलिक्यूल्स नहीं होते तथा पीछे की ओर स्थित अन्य गैस मॉलिक्यूल्स इसे पीछे खींच लेते हैं, और ये कम प्रेशर से वॉल्यूम पर मतलब बॉल पर टकराते हैं। वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन को आइडियल गैस इक्वेशन में रखने पर वैन डर वाल्स इक्वेशन प्राप्त होती है। लो भैया कौन सी इक्वेशन थी अपने पास, बताओ PV बराबर RT, देखना भैया PV बराबर क्या थी, RT। बताओ P की जगह क्या रख दिया, P की जगह पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा हुआ फील होगा क्योंकि कोने पे जाके वो टकरा रहा, ठीक है। सब एक जैसे नहीं होंगे, तो कुछ ऐसे होंगे जो किनारे पे हैं, दीवार के पड़ोस में, तो उन्हें बढ़ा हुआ प्रेशर फील होगा। कितना, पी प्लस ए अपान बी स्क्वायर, ठीक है। और आयतन भैया कुछ कम उन्हें गति करने के लिए मिलेगा, क्यों, क्योंकि उनका खुद का भी कोई वैल्यू है, खुद की भी कोई औकात है, तो वी माइनस बी इतना कम मिलेगा, बराबर में RT चलता चलता रहेगा। और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मेरे भाई वैन डर वाल्स समीकरण या फिर वैन डर वाल्स इक्वेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ए और बी को वैन डर वाल्स नियतांक कहते हैं। ए का मात्रक होता है एटीएम लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर, बी का मात्रक होता है लीटर हो सकता है या सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है या डेसीमीटर क्यूब हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हो। बीमा की बात करें तो ml की पावर 5, t की पावर -2 यानी डायमेंशंस होती है, और बी की बीमा l की पावर 3, बाकी सब जीरो है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा वैन डर वाल्स इक्वेशन बहुत कायदे से समझ में आ गया होगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कोर्स में देख रहे हो यहीं पे पीडीएफ नोट्स के अंदर सारी पीडीएफ आपको मिल रही है, और अगर आप यूट्यूब चैनल पे इस सीरीज को देख रहे हैं मेरे भाई, तो टेलीग्राम पे जाके BDKDNBSC सर्च करिए, सारी पीडीएफ जितने भी अभी चैलेंज की आई है सारी की सारी पीडीएफ कल हमने डलवा दी थी वहां पर, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDKDNBSC पे। ये पूरा 21 दिन का चैलेंज है, कितना आप इंजॉय कर पा रहे हैं। जो लोग यहां तक देख रहे हैं वीडियो को, यहां पर एक कमेंट करो कि सर हम यहां तक देख रहे हैं, कुछ अच्छा सा कमेंट करो, या फिर कोई सजेशन देना चाहो तो दे सकते हो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स की वीडियो आज अपना दूसरा चैनल है BDKDNBSC, उस पर आ जाएगी, मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।